हम कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के 500 प्रश्नों का संग्रह। ये वीडियो नंबर 5 होगा आपका। इसके पहले हम लोगों ने 120 क्वेश्चन कर लिए अपने 4 वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 121 का, सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो आप सभी को पता होगा कि सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन था वो नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो दोस्तों ये सुल्तान कौन था, उसका नाम था इल्तुतमिश, क्योंकि उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह ने जो किया था वो लाहौर से शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही क्या किया था, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था तथा 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलवाए थे जिसमें चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था। तो प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन भी अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने या बलबन, इनमें से किसने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बलबन हो जाएगा, करेक्ट आंसर बलबन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। दोस्तों रजिया सुल्तान जो बेटी थी वो इल्तुतमिश की थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। आराम शाह के बाद इसका समय था 1211 से 1236, उसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का टाइमिंग था 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को टिक करें। क्वेश्चन नंबर है 125, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया। तो आपको पता है जो दिल्ली सल्तनत थी वो 1206 से 1526 तक उसका टाइम था। सबसे पहला वंश गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी वंश था, फिर तुगलक वंश था, फिर सैयद, फिर लोदी। तो इसने पूछा है खिलजी शासकों के पहले अगर बात की जाए तो वो था कौन सा, वो था गुलाम वंश, और उसके बाद की अगर बात करी जाए तो वो था तुगलक वंश। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, गुलाम तथा तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, इनमें से कौन से दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे, या एक जाट कबीला थे। तो दोस्तों अगर लोदी आता तो अफगान सही कर देते, लेकिन जो खिलजी थे वो तुर्क थे, ऑप्शन नंबर सी इसे सही करिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। तो दोस्तों स्वयं को सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहने वाला जो सुल्तान था वो कौन था, वो था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था, जलालुद्दीन के बाद आता है, जलालुद्दीन का भतीजा या फिर दामाद भी था। जलालुद्दीन को मारने के बाद कड़ा मणिकपुर में गले लगाया, चाकू मार दी, उसके बाद ही यह जो है शासक बना था अलाउद्दीन खिलजी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राजस्व द्वारा किया जाता था बनाई थी। तो किसने बनाई थी, तो सल्तनत वंश की विशालतम सेना, वो विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य के द्वारा किया जाता था वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बनाया था, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था, जब उसने गुजरात पर आक्रमण किया था तो अपने 2 सैनिक भेजे थे, उसमें से एक सैनिक था नुसरत शाह। तो उसको ही क्या हुआ था कि वहाँ पर एक मलिक काफूर नाम का जो था किन्नर मिला था। बाद में उसने क्या किया, उसके सारे दक्षिण विजय के जो अभियान थे संभाले थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जैसे सौंपा था, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी। तो दोस्तों बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार मानने से इनकार कर दिया था? तो खलीफा का अधिकार मानने से इनकार भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? दोस्तों, भारत का तोता या तूतिए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। 1253 में यूपी के परिमाली कस्बे में इनका जन्म हुआ था, और इनका पूरा नाम अगर पूछा जाता है कभी भी तो अबुल हसन अमीर खुसरो था। इसका करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करें। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगले पर, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? तो देखिए, बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का जो उपभोग किया था वो भी अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप है? तो वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित किया था वो प्रेजेंट टाइम कहां पे है? तो औरंगाबाद इसका सही आंसर होगा। देखिए, दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है जिसका प्राचीन नाम देवगिरी था, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम अगर बात करी जाए वर्तमान में तो औरंगाबाद के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की? दोस्तों, भारत में चमड़े की जो प्रतीक मुद्रा आरंभ की थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मनियारों का राजकुमार कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार जो कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो सती प्रथा को रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करें। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसा हम आज देखते हैं अंत में पुनः निर्माण किसने किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, मतलब ऑप्शन नंबर डी। बनवाने की शुरुआत न्यू किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? दोस्तों, सबसे अधिक समय तक अगर बात करते हैं तो जो गुलाम वंश था वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक था, ठीक है। और जो आपका खिलजी वंश था वो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था। चलता जो तुगलक वंश था वो 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक था, और ये वाला लोदी वंश 1414 ईस्वी से लेकर के आपका दास वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, फिर सैयद वंश उसके बाद आता है, तो वो 1414 से 1451 था। लोदी वंश 1451 से 1526। तो सबसे ज़्यादा जो शासन किया था वो तुगलक वंश के शासकों ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो भारत में दोस्तों तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है 1414 से 1451 ईस्वी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ? तो आप सभी को पता होगा 1206 से स्टार्ट हुआ था और 1526 में समाप्त हो गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नत सर्वाधिक हुई? तो सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला की उन्नत जो हुई वो सर्वाधिक हुई, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर करते हैं कि बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? तो जो बहमनी राज की स्थापना की थी वो अलाउद्दीन हसन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 144 है, जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, जौनपुर का अंतिम शासक हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह, जौनपुर का अंतिम शासक हुसैन शाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145, कह रहे हैं आमुक्त माल्यद, यहाँ पे माल्यद है आदिला बना लीजिएगा, आमुक्त माल्यद किस शासक की रचना थी? तो तेलुगु भाषा में
आमुक तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र पर है उसी जैसी ये थी, तो कृष्णदेव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने अपनी माता नाग देवी की स्मृति में नागलापुर, उनके नाम पर नागलापुर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निकोलो दी कांटी कौन था? दोस्तों निकोलो दी कांटी जो था वो देव राय प्रथम के शासनकाल में आया था। उसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और वह एक इटली यात्री था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध एक संयुक्त युद्ध था जो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किस सेना को वारंगल में परास्त किया? तो 303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी को परास्त किया था। बाद में फिर एक युद्ध हुआ था वारंगल का, जिसमें रुद्र प्रताप देव जो थे, जिन्होंने कोहिनूर का हीरा दिया था मलिक काफूर को, बाद में फिर से इसने युद्ध किया था, बाद में इनको हराया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए क्या है, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तछित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों यह मंदिर आपका हम्पी में स्थित है। तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार रिवाइज ज़रूर करिए, और वीडियोस आपको पसंद आया है मेरे चैनल के तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए और दोस्तों में अपने शेयर करिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई अदर हेल्प चाहिए तो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।